डेरी एशिया एक्सपो 2022 आज हम आपको विजिट करवाएंगे। ये देखें जी आपके सामने मुख्तलिफ तरह के स्टॉल हैं इसमें। इसमें दो हॉल हैं जिनमें एग्जीबिशन लगी हुई है, दोनों का हम आपको विजिट करवाते हैं। हाल नंबर दो में हम आपको दिखाते हैं कौन कौन सी प्रोडक्ट्स लगी हैं। सर फार्म केयर विद वसीम मेरा चैनल है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाइएगा अपनी प्रोडक्ट्स के हवाले से। हम बेसिकली नोवल्टा ट्रेडिंग है, हम फीड आइटम्स को इंपोर्ट करते हैं, बेसिकली जर्मनी से इंपोर्ट करते हैं और कुछ चाइना से ले करते हैं। हमारे पास डेयरी प्री मिक्सेस हैं, उनकी रेंज है, टॉक्सिन बाइंडर्स की रेंज है, एक्स्ट्रा फैट है हमारे पास और प्लस बाईपास मिथायोनिन है, लाइव यीस्ट है। ये सारी ये बेसिकली सारी जो है कमर्शियल और कॉर्पोरेट डेयरी फार्म पे फीड मिल्स में यूज़ होने वाले एनिमल न्यूट्रिशन की चीज़ें हैं। और हम सॉफ्टवेयर के साथ राशन को बैलेंस करने के बाद अपने प्रोडक्ट को ट्रायल के लिए और बाद में इंक्लूड करवाते हैं और उसके बाद जो होता है फार्म के आउटपुट में इनपुट में इजाफा करते हैं। थैंक यू सर जी। फार्म केयर विद वसीम एक हमारा चैनल है, उस हवाले से बताइएगा अपनी प्रोडक्ट्स के हवाले से कुछ। डेयरी प्रोडक्ट्स ये है हमारी सारी, फ्लेवर्ड मिल्क भी है, सिंपल मिल्क होगा, योगर्ट भी आपको मिल जाएगी, उसके अलावा देसी घी, ये देसी घी डिफरेंट पैकिंग में मिल जाएगा और बटर मिल जाएगा, ये फ्रेश चक्की का आटा है, बनावट आगे एडिड और कुछ एड वगैरह नहीं किया, उसके अलावा फ्रेश बर्फी है। ठीक है, और एक पीछे दूध आपका वही फ्लेवर्ड मिल्क दिखा सकते हैं, हम थोड़ा सा रास्ता दीजिए। मैंने अभी नहीं किया करना है, मैं अभी उसको अच्छा ये देसी घी की बॉटल में दिखाइए, देसी घी की वैसे भी बिकवा रहा है कोई कोई। इनकी प्राइसेस भी साथ साथ बताइएगा। ये 80 रुपीस पर बॉटल है, 80 रुपीस पर बॉटल है, 875 है। और ये जो दूध है अपना डेयरी फार्म किस नाम से? ZS डेयरी फार्म। कहाँ से? ये ननकाना साहब के पास है, हेडवेल लोकी। ठीक है,
ये आपकी प्रोडक्ट्स हैं, इसमें बर्फी है, दूध है तीन किस्म का, प्लेन दूध भी है, बफलो का ठीक है, योगर्ट भी है, योगर्ट भी है ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। दूध की बॉटलिंग के हवाले से हम आपको दिखाते हैं, ये शीशे की सारी बॉटलिंग है सर सामने। हमारा चैनल है जी फार्म केयर विद वसीम, एग्रीकल्चर के हवाले से, डेयरी फार्मिंग के हवाले से ज़रा बताइएगा अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में। सर ये लास्ट बॉटल है 1 लीटर की, और ये स्पेशली डिज़ाइन की हमने मिल्क पर्पस के लिए, आप यूज़ कर सकते हैं इसको जूस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन स्पेशली ये हमने मिल्क पर्पस के लिए बनाई है। और सारी मशीनरी भी आपके पास इसी के रिलेटेड है? नहीं सर, हम सिर्फ ग्लास मैन्युफैक्चरर हैं, तारिक ग्लास इंडस्ट्रीज कोई नासिक का नाम आपने शायद, हम सिर्फ 1 लीटर ग्लास बॉटल जो है ना बना के वो मैन्युफैक्चर करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, ज़रा बताइएगा अपनी प्रोडक्ट्स के हवाले से। ये हमारी एक कैब रॉक के नाम से कंपनी है, ठीक है, और कैटल एंड बफलो रजिस्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। सर हम एनिमल्स की ट्रेसेबिलिटी की तरफ लेके जा रहे हैं, इसका मकसद ये है कि एनिमल की पैदाइश से लेके उसके आपकी प्लेट में आने तक उसका सारा रिकॉर्ड हो गया, उसकी क्या ट्रीटमेंट हुई है, क्या उसका ग्रोथ, उसकी कितनी कॉबिंग्स हुई है, उसने कितना दूध दिया है, रिकॉर्ड कीपिंग के साथ साथ जिस तरह एक्चुअली हमारे यहाँ पर इशू ये है, इसका ज़्यादा ट्रेंड हम क्यों लाना चाह रहे हैं, FMD एक बीमारी है जिसकी वजह से हम इंटरनेशनली बैन है अपना मिल्क और मीट एक्सपोर्ट करने की, ठीक है। हम इन टैग्स की वजह से एनिमल को उनका प्रॉपर पूरा बायोडाटा हमारे पास हो कि ये एनिमल FMD फ्री है, इसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, इसका दूध FMD से फ्री है, ये ताकि हम बाहर अपना दूध और अपना गोश्त एक्सपोर्ट कर सकें। उसके लिए ये हर एनिमल का जिस तरह से इंसानों का नादरा है उसी तरह जानवरों का नादरा है, ये हर एनिमल का एक अलग से ट्रैकिंग आईडी है, जिसकी वजह से उसका सॉफ्टवेयर क्लाउड के ऊपर हम सारा बायोडाटा रखते हैं कि उसके अंदर उसमें कब वो पैदा हुआ, उसकी क्या क्या प्रोटोकॉल और क्या सारा बायोडाटा है, ताकि हमें पता रहे कि फलां जानवर उसकी एक ये आईडी है, जिस तरह इंसानों का होता है कि एक इंसान के आईडी कार्ड के ऊपर उसका सारा क्रिमिनल रिकॉर्ड, उसका बैंकिंग रिकॉर्ड सारा कुछ निकल सकता है, उसी तरह इस आईडी पे जानवर के बारे में आपका सारा डाटा आ सकता है, ठीक है। और ये आपकी कुछ आईडीज हैं डिफरेंट तरह की, ये बायोसेंसर्स हैं कुछ, इसके अंदर ये टैग हैं, ये टेल सेंसर हैं, इनके ज़रिए आप जानवर के हीट में आने का कि वो हीट पे कब आया, उसके लेमनेस का इशू बिफोर कि आपको उसकी प्रॉपर पता चलना शुरू हो कि लेमनेस इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो लंगड़ा लंगड़ा के चलने लग गया, उसके बॉडी का टेम्परेचर और बाकी रिप्रोडक्टिव साइकिल के कब वो हीट में आ रहा है, वो कब बच्चा देने लगा है उसका काविंग का, क्योंकि हमें नॉर्मली पता नहीं चलता, जब वो बैठ जाता है तब पता चलता है, तो ये सारा एक बायोडाटा आप इन टैग्स के ज़रिए, बायो सेंसर्स के ज़रिए आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम, कुछ अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताइएगा। प्रोडक्ट्स सर कि ये जो काउज एंड काउज के हैं, यानी कि काउ का आप ऐसा देंगे कि आपकी काउज के अच्छा दूध देंगे तो वो आउटपुट आपको अच्छा देंगे, ये काउज के लिए मिनरल्स है, ठीक है। सी बेसिकली फॉरेन कंपनी है, लेकिन ये लिंक जो है ना पाकिस्तान से ही करती है, इसका जो बेसिक हेडक्वार्टर है वो
पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन ये हेडक्वार्टर अभी बन रहा है यहाँ पे बहरिया टाउन के अंदर। वैसे अगर आपने इसके प्रोडक्ट्स अगर बाय करनी है तो वो आपको 63 मिर्जा कुचुंगी से मिल जाएंगी। जो भी प्रोडक्ट्स हैं बेसिकली इसकी, ये आपको मिलेगा 25 kg का एक पैक मिलेगा और ये 14,000 to 15,000 के अराउंड अबाउट में आपको इतने प्राइस में इतनी रेंज में मिल जाएगा। इसका ये बेनिफिट ये है कि अगर आप 1 kg अगर आप इसका जो है ना मिल्क काउस और कप्स को डिलीवर करते हैं तो कप्स और काउस जो है वो आपको ऑलमोस्ट मिनिमम जो है ना 9 kg तक आपको मिल्क डिलीवर कर सकती है। ये इसके बेनिफिट्स। थैंक यू सो मच। सर ये ज़रा कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में सर, इंट्रा केयर कंपनी है हमारी जो वादिम बैग्स की, ठीक है, इसमें दो सेगमेंट है, फीड एयर टिप्स की और रूफ के लेमनेस के रिलेटेड जो है ना ये टिप्स क्वेश्चन हैं, और फीड एयर टिप्स में हमारे पास टॉक्सन माइंडर ये इसमें, ठीक है, और ये बाकी कुछ आपके जो हैं ये टब है हूफ, इसमें से जो है ना ये हूफ टिप है पोर्टेबल है, कहीं भी रख सकते हैं। हाँ जी ये कहीं भी रख सकते हैं, ये कॉर्पोरेट डेरीज में नॉर्मली यूज़ होता है, उनके पास एनिमल्स मिल्किंग एनिमल्स ज़्यादा होते हैं तो एक दफ़ा गुजरते हैं।